नेहा कह रही है बहुत मुश्किल है फुलाना, तुमसे बैलून तक नहीं फुलता है वो। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। वेलकम बैक टू आवर चैनल नेहा एंड विशाल ब्लॉग्स, और हम लोग लेके आए हैं ये नया ब्लॉग आप लोगों के लिए। तो गाइज आज जन्माष्टमी है, आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गाइज आज जन्माष्टमी है, आप लोग भी होप अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। हम लोग भी अभी सेलिब्रेट आज करने वाले हैं, आज सजाने वाले हैं लड्डू गोपाल जी को। और चलिए आपको सारा तैयारी दिखाते हैं हम लोग अपना। नेहा अभी कृष्ण भगवान का सफाई कर रही है अच्छे से, नींबू से रग रही हो, नींबू और क्या सर्फ, सर्फ और पीताम्बरी। अच्छा हमको पता है, तुमको नहीं पता है? नाम याद नहीं। नहाने के बाद हम लोग बैलून सजाने वाले हैं पहले, उसके बाद पूजा करेंगे। तो ये बैलून फुला रहे हैं और बड़ा बहुत हो गया ना, बाप रे बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। सब कलर का बैलून लाए हैं लेकिन सारा नहीं, कम से कम 10 को फुलाएंगे जरूर ना। ये रखे कहाँ? ऐसे ही रखते जाइए, कहीं भी उड़ेगा ही ना। जल्दी जल्दी फुलाइए, जल्दी जल्दी फुला रहे हैं। कैसा हो गया ये डिजाइन वाला है? डिजाइन वाला नहीं है अभी, तो स्टार्टिंग है, पूरा मंदिर सजाना है। नेहा कह रही है बहुत मुश्किल है फुलाना, तुमसे बैलून तक नहीं फुलता है वो। आधा हम आधा, बाप रे आधा हो गया, ये पहला बैलून फुला रही है आधा। झूठ पूरा फुला दोगी तो तुमको मान जाएंगे। हो गया ना? हाँ हो गया, इतना बड़ा होता है, देखो कितना बड़ा होता है। तो काम भर बैलून अब फुला लिए हैं, अब सजाना है हम लोग को मंदिर भी, और कृष्ण भगवान के लिए वो नीचे पे बैठाएंगे हम लोग इस टेबल पे। तो अभी हम लोग सजाएंगे, अब यहाँ पे सजाना स्टार्ट कर दिए हैं। हाँ ठीक तो है, टेढ़ा बिना एक बैलून फूट गया, रेड वाला जो कि आप फुलाए थे, बड़ा वाला। तो हम लोग सजा लिए हैं, ये मंदिर के ऊपर में भी थोड़ा बैलून डाले हैं, और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी बैठेंगे तो यहाँ पर भी किए हैं। अब इनके झूला को सजाना है, और तो नहा ही लिए हैं। और नेहा क्या कर रही है? तो अभी हम भोग के लिए खीर बना रहे हैं, पूरी बनाएंगे और हलवा बनाएंगे, उसके बाद पूजा करेंगे, फिर चढ़ाएंगे भगवान जी को। ये खीर का चावल धुला रहे हैं, आज घी भी निकाल लिया नेहा। हाँ जी घी निकाले, शुद्ध घी है, शुद्ध। ये चावल भी बन रहा है। फूल को हम लोग इसमें सजाएंगे झूला में,
झूला पुराना हो गया है, नेक्स्ट ईयर हम लोग अब इसको नया खरीदेंगे, इस बार इसी में काम चला रहे हैं। यहाँ पे खीर बन रहा है और अभी यहाँ पे हम पूरी छानने का शुद्ध घी में तैयारी कर लिए हैं। अब पूरी छनाएगा भोग के लिए और खीर भी भोग के लिए, उसके बाद हलवा बनाएंगे इसी घी में। तो यहाँ पे झूला का सजावट बहुत अच्छे तरह से हो रहा है। तो आपको कैसा फील हो रहा है? क्योंकि ये तो हमको बोलना ही है कि कैसा फील हो रहा है, हर वीडियो में ऐसा बोलते ही है हम। तुम जब बोलते हो तो हम इरिटेट हो जाते हैं। हमको मन करता है तुमको उठा के पटक दे। उठा तो पाइएगा ना, पटक किएगा क्या? ठीक है तो आप सजाइए अच्छे से। ठीक है क्या? ठीक है। कितना सुंदर लग रहा है ना बैलून और झूला। अपने बोल दे रही है ना। पंचामृत बना रहे हैं, इसमें दूध दे दिए, कच्चा दूध और एक चम्मच घी, दो बना रहे हैं, एक तो नहाने के लिए और एक चढ़ाने के लिए। तैयारी हो गया है और अब नेहा पूजा करेगी। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तैयारी करके रखे हैं, ये मक्खन है, ये पंचामृत है, ये किशमिश काजू बादाम और ये मिठाई एंड फ्रूट्स, जो कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, खीरा। तो ये हम लोग भोग लगा रहे हैं पूरी खीर और हलवा भी चढ़ा देते हैं।